होम फूड इज़ गुड हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गु तो आज हम मसाला अरबी की रेसिपी देने वाले हैं आपको मैंने अरबी को अच्छे से काट के अच्छे से उसको सुखा के मैंने टू पीसेस कट कर लिए हैं और उसको अच्छे से फोक की हेल्प से उसके अंदर जैसे छेद टाइप कर दिया ताकि हम इसको जब डीप फ्राई करेंगे अच्छे से अंदर तक ये फ्राई हो जाए बिल्कुल भी अंदर से अरबी कच्ची पक्की ना रहे तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ आप चाहे तो ऑलिव ऑयल पीली सरसों कुछ भी ले सकते हैं तो बस उसके बाद तेल गरम होने के बाद मैंने अरबी को डाल दिया है इसको अच्छे से हिला के हम सिम गैस पे इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे फ्राई करेंगे हमें इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है तो सिम गैस पे कर दिया दे, उतनी देर में हम एक कढ़ाई ले लेंगे उसके अंदर हम तेल डाल के जीरा और हिंग का छोंक लगा देंगे और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज प्याज डालेंगे हम मैंने लिया है अराउंड यहाँ पे दो प्याज छोटे छोटे दो प्याज तो अरबी थी मेरी कुल मिला के आधा किलो अरबी थी तो उसके हिसाब से मैंने दो प्याज लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने कूट के बनाई है वो मैंने लिया है डेढ़ चम्मच और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ पे आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाल के साथ ही में मैंने गरम मसाला डाल दिया है एक चम्मच और एक चम्मच डाला है सूखा धनिया साथ में नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं टमाटर डालने से पहले सारे मसाले डालना प्रेफर करती हूँ ताकि मसाले अच्छे से पक जाए फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से दरदरा पीस लिया था और फिर इसके बाद मैंने उसको डाल दिया यहाँ पे मैंने तीन छोटे टमाटर यूज़ करे हैं फिर आधी कटोरी दही के अंदर अराउंड डेढ़ चम्मच मैंने मसाला डाल दिया किचन किंग और इसको अच्छे से फेंट लिया फेंटने के बाद जो हमारा जो बैटर तैयार हुआ था जैसे ही वो तेल छोड़ गया था मैंने उसके अंदर डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया ये मसाला अरबी की रेसिपी आप एक बार बनाएंगे ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे इतनी स्वाद बनती है कि सादी सी अरबी भी बच्चे खाना शुरू कर देंगे आपके इतनी स्वाद बनती है तो बस हम इसको अच्छे से भुन लेंगे देख रहे हैं आप कितनी अच्छी महक आ रही है काश में आप लोगों को सुंगा सकती बस इसको फेटेंगे और मतलब फेटेंगे कह रही हूँ भुनेंगे इसका तेल बाहर आ जाना चाहिए जैसे तेल बाहर आ जाएगा तो मतलब ये पकना शुरू हो गया है बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उतनी देर में आ जाते हैं अपनी अरबी की तरफ जो कि हो चुकी है पक चुकी है अपने टाइफ से हेल्थ से चेक कर लिया बस इसको निकाल लेंगे और डाल देंगे अपनी कढ़ाई में बहुत टेस्टी अरबी बनती है आप देख सकते हैं कितने अच्छा मतलब एक रेसिपी बन जाती है इतनी टेस्टी मसाला अरबी बनती है हमारे घर में तो ये हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनती ही बनती है तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए दस मिनट के लिए पकाएंगे और फिर धनिया पत्ती डाल के अच्छे से इसको करेंगे गार्निश लाजवाब अरबी हो गई है हमारी बस तैयार इसको एक बॉईल दे के कर देंगे प्लेटिंग देख सकते हैं शानदार हमारी मसाला अरबी है बिल्कुल तैयार और खाने वाले भी है तैयार आप इसको सर्व कीजिए मीठे अचार के संग चपाती के संग किसी के भी संग ये सारी मैंने आपको रेसिपी दे चुकी हूँ मीठे अचार की अगर चा तो प्लीज़ चेक करिए